Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center, and today we are going to discuss about 23 August current affair for UPSC, PSC and other competitive exams. These questions या these topics will be prelims based. So पहला जो मुद्दा discuss हुआ है that is about the Carrier Museum या Carrier Museum, आप कुछ भी नाम से बोल सकते हैं. अब जो Carrier Museum है ये located कहाँ पे है? ये located है तुर्की में. बिल्ड कब हुआ था ये? 534 AD. नाउ देयर इज कंसर्न बिटवीन AD एंड BC. AD क्या होता है? AD इज एनो डोमिनी एंड BC इज बिफोर क्राइस्ट. देयर इज अ पीरियड इन हिस्ट्री, ये वाला पीरियड जीरो पीरियड, इससे पहले वाले टाइम को BC बोला जाता है और इसके बाद वाले टाइम को AD बोला जाता है. एंड दिस इज द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो इससे पहले वाला सारा टाइम BC और इसके बाद वाला AD. तो इट वॉज बिल्ड इन 534 AD. किस टाइम पे? बाइजेंटाइन पीरियड चल रहा था उस समय पे. अब ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में आने का इसका मुद्दा ये है कि जो तुर्किश प्रेजिडेंट हैं उन्होंने एक डिक्री जो है, एक ऑर्डर दिया है कि एक ये जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है दैट वॉज प्रीवियसली अ पॉपुलर इस्तानबुल म्यूजियम टू मुस्लिम वर्शिप अपॉन अ कोर्ट ऑर्डर. यानी कि दिस पार्ट जो कि पहले इस्तानबुल म्यूजियम का पार्ट था वो मुस्लिम्स के लिए वर्शिप करने के लिए ओपन हो जाएगा. अब अगर हम पहले की बात करें तो ये डिसीजन जो था टू ट्रांसफॉर्म द करियर या शोरा म्यूजियम इन टू मॉस्क्यू, ये किसके बाद आया? जस्ट आफ्टर अ सिमिलर कन्वर्जन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रिकोगनाइज हागिया सोफिया. तो जो हागिया सोफिया को जिसने यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोल रखा है उन्होंने भी अपने म्यूजियम को मतलब उन्होंने भी इन सब चीज़ों को क्या करा था, चेंज किया था. तो उसको देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है. सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. नेक्स्ट इज हरिपथ ऐप. अब जो हरिपथ ऐप है ये मोबाइल ऐप है, इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि NHAI इस्टेब्लिश कब हुआ था. सो मोबाइल ऐप NHAI के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है. ये मॉनिटर करेगा किसको? प्लांटेशन अमंग नेशनल हाईवेज. आपने देखा होगा कि जो भी ये नेशनल हाईवेज वगैरह होते हैं उनके साइड में ऐसे बहुत सारे प्लांटेशंस होते हैं, तो उस प्लांटेशन का पूरा जिम्मेदारी दिया जाता है लोगों को या डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को. तो जो हरिपथ, हरी इज ग्रीन, पथ इज वे, रास्ता. तो हरिपथ ऐप विल मॉनिटर प्लांटेशन अलोंग नेशनल हाईवेज कि जो NH के साइड में प्लांटेशन है ये सही से हो रही है या नहीं हो रही है. उसके अलावा दिस ऐप विल मॉनिटर लोकेशन, ग्रोथ, स्पीशीज डिटेल्स, मेंटेनेंस एक्टिविटी, टारगेट एंड अचीवमेंट ऑफ ईच ऑफ द NHAI फील्ड यूनिट ऑफ ईच एंड एवरी प्लांट अंडर ऑल प्लांटेशन प्रोजेक्ट. तो इन सब चीज़ों को स्टडी करेगा. UPSC में कैसे ऑप्शन बना के पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या मॉनिटर करेगा. मॉनिटर करेगा ये लोकेशन नंबर वन, नंबर टू ग्रोथ, नंबर थ्री स्पीशीज डिटेल्स, स्पीशीज यानी कि कौन से टाइप के प्लांट लगा रहे हो आप, नंबर फोर इज मेंटेनेंस कैसे कर रहे हो, नंबर फाइव इज जो आपके टारगेट थे क्या आपने उसको अचीव किया. ये सब कुछ कौन स्टडी करेगा? NHAI का हरिपथ ऐप. नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ NCC. NCC क्या होता है? NCC इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स. अब NCC जो था उसको हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है इसका एक्सपेंशन. एक्सपेंशन यानी कि इसके अंदर बहुत सारी और एंट्रीज जो हैं वो ली जाएंगी. अभी थोड़े टाइम पहले ही जो PM मोदी जी थे उन्होंने अपनी स्पीच में इसके बारे में बोला था. सो NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये इंडिया में कब फॉर्म हुआ था? इंडिया में फॉर्म हुआ था ये 1948 में बाय नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट ऑफ 1948, और 15 जुलाई 1948 से ये इन्फोर्स में आ गया था नेशनल कैडेट कॉर्प्स. अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है मेजर एक्सपेंशन ऑफ NCC. अब 173 कोस्टल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1 लाख कैडेट लिए जाएंगे जिसमें कि जो 1/3 होंगी वो गर्ल्स होंगी. यानी कि 33% सीट्स जो हैं रिजर्व हैं किसके लिए? गर्ल्स के लिए हैं.
अब जो आर्मी है वो ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देगी एनसीसी यूनिट्स को जो कि बॉर्डर एरियाज में होंगे। तो आर्मी किसको सपोर्ट देगी? बॉर्डर एरियाज में। नेवी किसको सपोर्ट देगी? जो कि कोस्टल एरियाज में। और इंडियन एयरफोर्स देगी एयरफोर्स स्टेशन वाले एरियाज में। सो आर्मी टू बॉर्डर एरियाज, नेवी टू कोस्टल एंड एयरफोर्स टू एयरफोर्स स्टेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये ट्रेन मैन पावर प्रोवाइड कराएगी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, स्किल ट्रेनिंग यूथ के लिए कि ताकि वो आर्म फोर्सेस में अपना करियर बना सके। ये सब कुछ सेम टू सेम जो मोदी जी की स्पीच थी उससे ही लिया गया है। अब नेक्स्ट है आपका ट्राईफूड प्रोजेक्ट। अब ट्राईफूड प्रोजेक्ट नाम सुन के ऐसा लग रहा हो कि कोई खाने वाने का प्रोजेक्ट है। चलिए जरा जानने की कोशिश करते हैं क्या है। तो ट्राईफूड प्रोजेक्ट जो है किसका है? ये है ट्राईफेड का। अब ट्राईफेड क्या है? ट्राईफेड इज द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राईफेड द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये ट्राईफूड प्रोजेक्ट लॉन्च कहाँ पे किया गया है? इट इज लॉन्च्ड इन रायगढ़ महाराष्ट्र और उसके अलावा जगदलपुर छत्तीसगढ़, दो जगह पे। कहाँ कहाँ पे? पहला है रायगढ़ महाराष्ट्र, दूसरा है जगदलपुर छत्तीसगढ़। इसको इम्प्लीमेंट कर रही है ट्राइफेड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जिसको MOFPI भी बोलते हैं। इसका एम क्या है? एम है सिंपली जो इनकम है ना ट्राइबल्स की उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो, और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि छोटे मोटे फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कि ट्राइबल फूड गैदरर्स कलेक्ट कर रहे हैं उसका ठीक से कैसे यूटिलाइजेशन हो और उसमें कैसे वैल्यू एडिशन हो, और अगर उसको कोई ट्राइबल कम्युनिटी सेल करे तो किस तरीके से इनकम ट्राइबल्स की बढ़ाई जाए। करेंगे कैसे ये? तो बहुत सारे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग यूनिट्स को सेटअप कराने की जो एम है वो किया गया है। नेक्स्ट इज हमारा नमत बसई। अब नमत बसई, सबसे पहले नमत बसई लॉन्च किसने किया है? तो ये केरला गवर्नमेंट ने किया है। केरला गवर्नमेंट नमत बसई। अब ये केरला गवर्नमेंट का यूनिक प्रोग्राम है। किस चीज का प्रोग्राम? टीचिंग ट्राइबल चिल्ड्रन इन देयर मदर टंग, जिसमें वो जो छोटे बच्चे हैं उनको उनकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाए। अब देखिए केरला में क्या दिक्कत हो रही थी कि लॉकडाउन की वजह से जो छोटे बच्चे थे जो मोस्टली प्राइमरी या फिर प्री प्राइमरी विंग के थे वो स्कूल स्लीप कर रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में क्या हो रहा था वहाँ पे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या बोला कि जो ये हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन है ना ऑनलाइन क्लास में वो उनको घर जैसा फील होगा, क्योंकि घर में तो आप अपनी लैंग्वेज में बात करते हो। तो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन उन्होंने कौन सी रखने की बात करी? जो उनकी मदर टंग है वो। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द समग्र शिक्षा केरला, SSK। समग्र शिक्षा केरला ने इसको इम्प्लीमेंट किया। इन्होंने लगभग 50 लैपटॉप नमत बसाई के लिए ही बांटे, जिसके अंदर प्री रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफर की गई थ्रू अ यूट्यूब चैनल। अब इसकी वजह से जो हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन थे ये ऑनलाइन क्लासेस में रह पाए, क्योंकि उनको खुद घर जैसा वहां पे फील हुआ। सो दिस वॉज द प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ UPSC। प्रीलिम्स बेस्ड मेनली वी आर फोकसिंग ऑन 2021 अटेम्प्ट। सो इसे आप लर्न कर सकते हैं क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज दैट्स बीन इन द रिसेंट न्यूज। सो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।